हे गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए जंक्शन। ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट का 11th लेक्चर है, जिसमें हम अपना चैप्टर ऑपरेशंस प्लानिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑपरेशंस प्लानिंग में आज हम फैसिलिटी लेआउट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9, आपके बुक में जो दिया हुआ है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9, The present layout is shown in the figure. The manager of the department is intending to interchange the department C and F in the present layout. The handling frequencies between the department is given. All the departments are of the same size and configuration. The material handling cost per unit length travel between department is same. What will be the effect of interchange of department C and F in the layout? क्या बोल रहा है देखिए, present layout आपको दिया हुआ है A C E B D F, ऐसा आपका layout है, ठीक है। manager जो है department का, वो इसको interchange करना चाहता है। किसको interchange करता है? C की जगह F और F की जगह C रखना चाहता है वो, ठीक है। handling frequencies between the department is given, handling frequencies आपको दी हुई है, ठीक है, ये आपकी handling frequencies है। नेक्स्ट हमारे पास ऑल द डिपार्टमेंट आर ऑफ द सेम साइज बोला गया है और कॉन्फ़िगरेशन भी उनका सेम है, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट लेंथ ट्रैवल बिटवीन डिपार्टमेंट इज सेम, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाने का कॉस्ट भी सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जो उसके पास में है, तो उसका कॉस्ट 1 है समझ लो, ठीक है। अब ए से ई लेके जाना है तो इसका कॉस्ट क्या हो गया, 2 डिपार्टमेंट पार करके जाना है, इसलिए 2 हो गया इसका कॉस्ट, ऐसा करके आपको रहेगा, ठीक है। जितना आप लेंथ ट्रैवल करेंगे उतना आपका कॉस्ट बढ़ते जाएगा। वॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सी एंड एफ को अगर इंटरचेंज किया जाता है तो उससे क्या इफेक्ट होगा, ठीक। तो हमको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको फ्रिक्वेंसीज दी हुई है बिटवीन डिपार्टमेंट, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो हमको टेबल दिया हुआ है, ठीक है, ये जो हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है ए बी सी डी ई एफ, इसके हिसाब से आपको इसका इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास लेआउट कैसा दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, ऐसा हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब आपको डिस्टेंस चेक करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ए से ए के बीच का डिस्टेंस कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि ए के डिपार्टमेंट की बात हो रही है। ए से बी के बीच का डिफरेंस कितना है, ए से बी में आने के लिए कितना डिफरेंस है, 1, ठीक है। ए से सी में जाना है तो क्या कुछ बीच में कोई भी अलग डिपार्टमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, डायरेक्ट सी है, तो ये भी 1 है इसके बीच का डिफरेंस। ए से डी के बीच का डिफरेंस, तो देखिए इसके पास 2 ऑप्शन है, पहला तो वो ए से जाए सी में फिर जाए डी में, तो ये हो गया 1 और दूसरा हो गया 2, ठीक है, 2 स्टेप्स उसको लेने पड़ेंगे। अगर बी से डी में जा रहा है तो भी उसको 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ए से बी में, बी से डी में, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2। ए से ई में जाना है तो ए से सी में जाना पड़ेगा, फिर ई में जा सकते हैं आप, तो यहाँ पे आएगा आपका 3 स्टेप्स। ए से एफ में जाना है तो इसके लिए 2 ऑप्शन है, पहला तो आप सी से पहले सी में जाएं, फिर ई में जाएं, फिर एफ में जाएं, या फिर बी में जाएं, डी में जाएं, फिर एफ में जाएं, दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ए से ई के बीच का डिफरेंस, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, ए से सी, सी से ई। बी से ए के बीच का डिफरेंस 1 है, बी से बी के बीच का आपको नहीं लिखना है, ठीक है, तो उल्टा आपको नहीं जाना है, तो इसलिए बी से ए के बीच का डिफरेंस भी आपको चेक नहीं करना है, बस आगे के डिफरेंसेस चेक करना है। बी से सी के बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ के लिए आपके पास डिफरेंस कितना है, 2, या तो बी से ए में जाओ फिर ए से सी में जाओ, तो 2 स्टेप्स उसको लेने पड़ेंगे, या फिर बी से डी में जाओ, डी से सी में जाओ। नेक्स्ट बी से डी के बीच का 1, बी से ई के बीच का 1, 2, 3, ठीक है, पहले बी से डी में जाओ, डी से ई में जाओ, ई से एफ में जाओ, तो 3 स्टेप्स यहाँ पे आपके आएंगे। नेक्स्ट बी से एफ का, तो बी से डी जाओ, डी से एफ जाओ, ठीक है, वैसे ही आप सी का निकालेंगे, सी से सी का कुछ भी नहीं रहेगा, सी से ए, सी से बी का आपको नहीं लिखना है। सी से डी, सी से डी के बीच का डिफरेंस 1, सी से ई के बीच का डिफरेंस, सी से ई के बीच का भी डिफरेंस 1 है, सी से एफ के बीच का डिफरेंस है 2, ठीक है। अब डी का देखना है आपको, तो डी से ई के बीच का डिफरेंस है 2 और डी से एफ का है 1, यहाँ से यहाँ डायरेक्टली आप आ सकते हैं। ई से एफ का देखना है आपको डायरेक्टली, ई से एफ के बीच का है डिफरेंस 1 और एफ वाले का आपको निकालना नहीं है, ठीक है।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो, क्योंकि एफ से एफ का बीच का डिफरेंस तो जीरो रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो, नॉर्मल है, आपको बस इनके बीच का डिफरेंस देखना है कि कितने बाद आप यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब जो आपको हमको क्या दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसीज दिया हुआ है, हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है बुक में। देखिए आपको ये हैंडलिंग फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं, और हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया उनके बीच का डिफरेंस, ये वाला पॉइंट हमने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, जो आपकी हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी है उसको आपको इनटू करना है जो उसमें आपका नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 0 × 1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ए से सी के बीच का डिफरेंस फ्रिक्वेंसी क्या है 90, और ए से सी के बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो 90 × 1। फिर ए से डी के बीच का आपका फ्रिक्वेंसी है 160, ए से डी के बीच का आपका डिफरेंस है 2, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। देखिए अब हमारे पास है ए से ए के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ए से डी के बीच में हमारा हमको हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी 0 दिया हुआ है, और इनका डिस्टेंस कितना है 1 है, तो 0 × 1 कितना हो जाएगा 1 × 0 कर लीजिए तो ये अमाउंट आपका 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ए से सी का देखना है, तो ए से सी के बीच में हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी है 90, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस है 1, तो 90 × 1 दैट इज 90, ठीक है। ए से डी के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस उनके बीच में कितना है 2, और आपका इसका हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी है 160, तो 160 × 2 दैट इज 320, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है ए से ई के बीच का हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी है 50, और इनका डिफरेंस है, डिस्टेंस है इनके बीच 2 का, ठीक है, तो 50 × 2 करेंगे अपन, 50 × 2 दैट इज 100। और सिमिलरली आपको फॉलो करना है, इनका हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी ए से एफ का हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी है 0, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3, तो 0 × 3 दैट इज 0, ठीक। इसको अब आप टोटल कर लीजिए, कैसे टोटल करना है, तो 0 + 90 + 320 + 100 + 0 दैट इज 510, ठीक। अब हम बी का निकालेंगे, तो बी से सी का आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी 70, एंड यहाँ पे डिस्टेंस है 2, ठीक, ये अमाउंट आपका आएगा 140। नेक्स्ट यहाँ पे हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी है 0 × 1 इज इक्वल टू 0, देन 100 है यहाँ का हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी इंटू 3 दैट इज 300, एंड देन 130 हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी है इंटू कीजिए 2 से 260, ठीक है, तो 140 प्लस 0 प्लस 300 प्लस 260 करेंगे तो ये अमाउंट आपका आएगा 700, ठीक। अब ऐसे ही आपको आगे फॉलो करते जाना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सारे अमाउंट्स को आप टोटल कर लीजिए, 510, 720, 370 एंड 40 दैट इज 1640, ठीक है। अब ये हमने कैसे निकाला, तो ये हमने हमारा जो बुक में हमको लेआउट दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने निकाला। अब जो मैनेजर ने इसमें डिफरेंस बताया कि आपको सी एंड एफ को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए है, बी है, यहाँ सी था, यहाँ डी था, यहाँ ई था, और यहाँ एफ था, तो अब क्या बोला है, एफ को यहाँ ले जाओ, सी को यहाँ ले आओ, तो हम यहाँ लिखेंगे अब एफ, यहाँ लिखेंगे सी। अब इसके हिसाब से आपको क्या करना है, इनके बीच का पहले डिस्टेंस निकालना है, फिर उसके बाद आपको टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे, मटेरियल हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी और डिस्टेंस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमको इनके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए अब ए से बीच बी का डिस्टेंस कितना है 1, ए से सी का डिफरेंस डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस है 3, ठीक। अब ऐसे ही आपको डिस्टेंस निकालते जाना है, ए से डी के बीच का डिफरेंस कितना है 2, ए से ई के बीच का डिफरेंस कितना है 2, ए से एफ के बीच का डिफरेंस कितना है 1, ठीक। नेक्स्ट आता है बी के लिए, तो बी से आपको चेक करना है सी का डिफरेंस, तो ये आपका 2 का डिफरेंस है, बी से डी का डिफरेंस 1 का डिफरेंस है, बी से ई का डिफरेंस 3 का डिफरेंस है, बी से एफ का डिफरेंस है 2 का, ठीक। नेक्स्ट सी के लिए चेक करना है, सी से डी का डिफरेंस है 1 का, सी से ई का डिफरेंस है 1,
सी से एफ का डिफरेंस है 2। डी का चेक करना है अब आपको, डी से ई का डिफरेंस, डी से ई का डिफरेंस है 2 का और डी से एफ का डिफरेंस है 1। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास ई से एफ का डिफरेंस कितना है 1 और एफ का आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आपको हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है आपका जो डिस्टेंस मैट्रिक्स आया है उससे। ठीक है, तो हमारे पास अब इसको मल्टीप्लाई सेम वैसे ही करना है जैसा आपने पहले किया था। अब क्या होगा तो इसको हम फटाफट देखते हैं। ए से बी के बीच का हैंडलिंग डिफरेंस है हमारा 0 और इसका डिस्टेंस है 1, तो ये आपका आ गया 0। नेक्स्ट है 90 या हैंडलिंग डिफरेंस है, 3 का डिस्टेंस है, तो ये आपका अमाउंट आ गया 270। नेक्स्ट 160 हमारे पास हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी है एंड डिस्टेंस हमारा है 2 का, तो ये आपका हो गया 320। 50 यहाँ पे आपका हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी है इंटू 2 आपका डिस्टेंस है इज इक्वल टू 100। यहाँ पे 0 आपका हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी है, 1 आपका डिस्टेंस है इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये टोटल आप कर लीजिए, ये टोटल आपका अमाउंट आएगा 690। ठीक, अब नेक्स्ट हमको यही फॉलो करना है। नेक्स्ट अब आप इन सबको टोटल कर लीजिए, तो ये टोटल आपका अमाउंट आएगा 1820। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपका कितना अमाउंट आ रहा था, ये टोटल कॉस्ट पड़ रही थी आपको 1640, यहाँ पे आपको कॉस्ट पड़ रही है 1820। तो मैनेजर ने जो बताया कि हमको ये इंटरचेंज करना चाहिए सी एंड एफ को, अगर आप ऐसा इंटरचेंज करते हैं तो उससे आपका कॉस्ट डिक्रीज होने की जगह और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो मैनेजर ने जो बोला है वो आपको फॉलो नहीं करना है, जो कंपनी है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा फॉलो करेगी जिसमें आपका कम कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट रहता है, यहाँ पे आज आपका कॉस्ट कम आ रहा है इसलिए कंपनी कौन सा प्रेफर करेगी जो आप पहले से फॉलो कर रहे थे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब हम नेक्स्ट देखने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 9, बाकी इसमें चीज़ें आपको सेम ही करनी है, बस अब हम उन दोनों को एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, वो इवैल्यूएट करता है अपनी मशीन शॉप का करंट प्रोसेस लेआउट को, फिगर बिलो शो करता है कि करंट लेआउट उसका कैसा है और उसके साथ साथ वो ट्रिप मैट्रिक्स भी साथ में शो करता है उस फैसिलिटी के लिए। हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन के हिसाब से उसको डिपार्टमेंट ई एंड एफ को उसकी करंट पोजिशन में ही रखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ई ए बी सी एफ टी, ऐसा उसका लेआउट है, करंट लेआउट है उसका, उसके हिसाब से आपको ये उसकी फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है कीप द डिपार्टमेंट ई एंड एफ को हमको एक ही जगह पे रखना है। उसके बाद आप क्या कीजिए, अब इसकी बात की चीज़ों को ध्यान से समझना। देखो हमको क्या बोला है, हमारा जो ई और एफ है उनको हमको हिलाना नहीं है, वो रिमेन करंट पोजीशन पे ही रहेंगे। आपको एक ऐसा लेआउट बनाना है जिससे आपका जो कॉस्ट अभी के लेआउट पे पड़ रहा है उससे कम आपको कॉस्ट पड़े। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए हमको उनकी हैंडलिंग फ्रिक्वेंसीज दी हुई है। ठीक है, ई एंड एफ से सबसे ज़्यादा हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी किसकी आ रही है, ठीक है, तो ऐसे चेक करते जाइए। यहाँ ए है, ए का 9 और 5 है, ठीक, बी का यहाँ पे ई एंड एफ के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सी का 8 और 9 है जो कि हाईएस्ट है, 9 और 5 से भी ज़्यादा है 8 और 9, ठीक, डी का 8 और 9 है, ई का 3 है और एफ का, सॉरी डी का 3 है और ई का 3 है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी, किसका हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है ई एंड एफ के साथ, तो सी का हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स, 8 और 9 है उसका हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी एंड एफ के साथ। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, सी को यहाँ से उठाइए, सी को इनके बीच में रख दीजिए। तो देखिए यहाँ से अभी डिस्टेंस कितना पड़ रहा है, सी का इसके साथ भी 2 का डिस्टेंस पड़ रहा है, इसके साथ भी 2 का डिस्टेंस पड़ रहा है। अगर इस डिस्टेंस को आपको 1 में कन्वर्ट करना है तो इसको आपको यहाँ लेके जाना पड़ेगा, तो सी का डिस्टेंस यहाँ से भी 1 पड़ेगा, यहाँ से भी 1 पड़ेगा, तो सी से ई का डिस्टेंस 1 हो जाएगा, यहाँ से भी सी से ई एफ का डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा, जिसके कारण ये फ्रिक्वेंसीज अब आपकी कम हो जाएंगी। ठीक है, 2
दो का डिस्टेंस होता तो ये फ्रिक्वेंसी आपके लिए ज़्यादा कॉस्टली पड़ती, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हाईएस्ट किसका है, तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद हमारे पास है हाईएस्ट ए का ई के साथ, ठीक है, ए का ई के साथ इसके बाद हाईएस्ट है। 8 और 9 खत्म होने के बाद ए का ई के साथ हाईएस्ट है। अब क्या कीजिए, ए को आप यहीं रहने दीजिए, ए को कहीं भी मत कीजिए, ए यहीं रहेगा तो ए से ई का डिस्टेंस 1 का रहेगा, जिसके कारण ये फ्रिक्वेंसी के कारण आपका कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। फिर आता है बी, बी का अगर आप देखें तो बी का ए के साथ ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन है, ए और बी का देखेंगे तो 8 है, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, बी को इसके बाजू में रख दीजिए, किसके, ए के बाजू में, ताकि ये डिफरेंस जो है उसके कारण फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ना आए, ठीक। एफ़ अपनी जगह में ही रखेगा और डी भी अपनी जगह में रहेगा क्योंकि उसके लिए कोई और प्लेस बचती नहीं है, और डी का अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है जितना भी उसका अमाउंट है, ठीक है। तो डी अपनी प्लेस में ही रहेगा, ई और एफ तो अपनी प्लेस में पहले से ही रहेंगे। तो इसके कारण जैसा हमने देखा उसके हिसाब से ई यहाँ रहेगा, एफ यहाँ रहेगा, ए यहाँ रहेगा, सी और बी बस इंटरचेंज करेंगे, बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, ठीक। तो वैसा ही है, ई ए सी और बी इंटरचेंज हो गए, एफ और डी, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपको चेक करना है कि आपने जो लेआउट बनाया है और जो एग्जिस्टिंग प्लान था उनके बीच में कितना आपका कॉस्ट इफेक्टिव हुआ आपके इन चेंजेस से, ठीक है। तो अब इन इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। हमने जो लेआउट पहले से हमको जो लेआउट दिया हुआ है वो है ई ए बी सी एंड एफ डी, ठीक है। जो हमने चेंज किया है उसके हिसाब से ई ए सी बी एफ एंड डी, ये हमारा लेआउट है, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग प्लान था हमारा और ये हमारा जो हमने प्रपोज्ड प्लान रखा है उसके हिसाब से, ठीक। अब आपको क्या करना है, हमको डिपार्टमेंट की हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। तो जिन जिन डिपार्टमेंट की हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी दी हुई है उन उन डिपार्टमेंट को आप पेयर कर लीजिए, जैसे कि ए और बी को पेयर कीजिए, ए सी, ए से डी का कुछ भी हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी नहीं दिया उसको आपको पेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ए से ई का दिया हुआ है, ए से एफ का दिया हुआ है, तो पेयर करके आप उनको ऐसा लिखेंगे, देखिए ए बी आपको दिया हुआ है, ए सी, ए ई एंड ए एफ, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास बी डी, देन है सी ई, सी एफ, डी एफ एंड ई एफ, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है डिपार्टमेंट्स, इनके आपको हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी दिए हुए हैं इसीलिए इनको हमने ऐसा लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नंबर ऑफ ट्रिप्स लिखने हैं, तो ट्रिप्स भी आपको, आप देखेंगे करंट लेआउट करके आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें ट्रिप्स भी लिखे हुए हैं, तो ए से बी के बीच का ट्रिप कितना है, 8, ए से सी के बीच का कितना है, 3, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको लिखते जाइए, ए से बी 8, ए से सी 3, देन है हमारे पास ए से ई 9, फिर ए से एफ 5, देन 3, 8, 9 and 3 and 3, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, करंट लेआउट को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। ये देख के आपको इनको लिखना है बस, ठीक। फिर उसके बाद आपको डिस्टेंस देखना है। अब ये हमारा काम आता है यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लान में, आपको पहले डिस्टेंस देखना है। एग्जिस्टिंग प्लान में ए से बीच बी के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 और 2, तो ये हुआ हमारा 2, ए से सी का 1, ए से ई का 1, ए से एफ का 1, 2 and 3, बी से डी का 1, 2, सी से ई का 1 and 2, सी से एफ का 1, 2, डी से एफ का, डी से एफ तो डायरेक्टली है तो डी से एफ 1, ई से एफ का, ई से बी जाओ पहले फिर बी से एफ जाओ, तो मतलब 2 का डिफरेंस हो, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने ट्रिप्स लिखे हैं उनको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके लोड डिस्टेंस निकालना है, जैसा हम यहाँ किया करते थे। यहाँ हमने अलग अलग टेबल बनाए थे उन सब चीज़ों के लिए, पहले हमने हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी देखा कि उसका टेबल दिया हुआ था, उसके हिसाब से हमने जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेआउट दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने लेआउट तैयार किया डिस्टेंस के लिए, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई किया। अब हम उन सारी चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं, पहले हमने डिपार्टमेंट को पेयर किया जितना जिसका जिसका हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी दिया उनको, फिर उनके ट्रिप्स निकाले इसके हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिप्स आपको दिए हुए हैं, हैंडलिंग फ्रिक्वेंसी जो रहती है वही आपकी ट्रिप्स हैं, उसके बाद जो आपका डिस्टेंस है वो हमने निकाल लिया एग्जिस्टिंग प्लान के हिसाब से। अब आपको
इनको मल्टीप्लाई करना है. तो नंबर ऑफ ट्रिप्स इनटू डिस्टेंस करेंगे तो 8 इंटू 2 इज 16, 3 इंटू 1 इज 3, 9 इंटू 1 इज 9, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6. ठीक है, फिर उसके बाद हमको आप प्रपोज्ड प्लान के लिए डिस्टेंस निकालना है. तो ए से बी के बीच का डिफरेंस अब कितना है, 1. ए से सी के बीच का डिफरेंस कितना है, अब 2. ए से ई के बीच का डिफरेंस है 1. ए से एफ के बीच का डिफरेंस है ए से बी, बी से डी एंड डी से एफ, दैट इज 3. बी से डी के बीच का डिफरेंस 1. सी से ई के बीच का डिफरेंस 1. सी से एफ के बीच का डिफरेंस भी 1 है. डी से एफ के बीच का डिफरेंस है 1. एंड ई से एफ के बीच का डिफरेंस है, ई से सी जाओ पहले फिर सी से एफ जाओ, दैट इज 2. ठीक है, अब इसके हिसाब से अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रिप्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है. तो 8 इंटू 1 दैट इज 8, 3 इंटू 2 इज 6, 9 इंटू 1 इज 9, 5 3 इज 15, 3 1 इज 3, 8 1 इज 8, 9 1 इज 9 एंड 3 1 इज 3, 3 2 इज 6. ये निकल गया आपके इन दोनों के बीच का डिफरेंस. अब इसको आप टोटल कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा इसका टोटल कॉस्ट कितना है एग्जिस्टिंग प्लान का और प्रपोज का कितना है. तो आप देखेंगे इसका टोटल आएगा 92 और इसका टोटल आएगा 67. एज आपने जो अभी प्रपोज्ड प्लान रखा है उसका टोटल आपका कम आ रहा है, ठीक है, उसका आपका कॉस्ट कम आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये ज़्यादा इफेक्टिव प्लान होगा एज़ कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग प्लान. एग्जिस्टिंग प्लान में आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो. ये आपके हमने जो क्वेश्चन देखा उसका एक इलस्ट्रेशन 9 में हमने उसको इन डिटेल किया, उसका शॉर्ट में हमने कहाँ किया, इलस्ट्रेशन नंबर 10 में. ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 10 में भले हमने दूसरा क्वेश्चन किया, बाकी आप इलस्ट्रेशन 9 में भी ऐसे शॉर्ट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो. इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं. अगले क्लास में हम रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे. आज की क्लास हम यही एंड करते हैं. आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो. अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स. सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.